स्टूडेंट्स, हाउ आर यू क्लास टू? आई एम योर साइंस टीचर. नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 8. एंड टूडे आवर टॉपिक इज़ लंग्स. लंग्स का क्या मतलब होता है? लंग्स का मतलब होता है फेफड़े. नियर योर हार्ट आर टू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डैट हेल्प यू टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर योर लंग्स. दे हेल्प यू टू ब्रीथ. You breathe in oxygen from the air through your nose. When this oxygen reaches your lungs, it enters your blood. Your blood carries it to the heart and from there to each part of your body. Your blood carries carbon dioxide that your blood body doesn't need to the lungs. From here, you remove it from the body when you breathe out. हमारे heart के करीब दो parts होते हैं बॉडी के जो हमारी मदद करते हैं. ये क्या कहलाते हैं? ये लंग्स कहलाते हैं. ये किस चीज़ में हमारी मदद करते हैं? ये सांस लेने में हमारी मदद करते हैं. जो हवा है उसमें ऑक्सीजन होती है. जब हम सांस लेते हैं तो वो आपके नाक से होती हुई लंग्स में चली जाती है. और जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है तो ये हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है. और जब ये ऑक्सीजन ब्लड में आती है और जब ब्लड कैरी करता है तो वो ब्लड कहाँ लेकर जाता है? हार्ट में. और फिर हार्ट क्या करता है? और वो ऑक्सीजन हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी में चली जाती है. जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जब हम सांस लेते हैं. इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाती है. From outside your lungs look pink and rubbery. From inside they look like sponges. बाहर से जो हमारे lungs हैं वो कैसे नज़र आते हैं? Pink नज़र आते हैं, just like rubber, rubber की तरह. From inside they look like sponges. और अंदर से sponges की तरह नज़र आते हैं, जिस तरह इस picture में दिखाया गया है. Air enters your lungs through your nose. एयर जाए जो हवा है वो इस तरह नाक के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचती है, जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है. कम टू द नेक्स्ट पेज. टेक अ डीप ब्रीथ. यू मे फील पार्ट ऑफ योर चेस्ट गेट बिगर. डैट इज़ योर लंग्स गेटिंग बिगर एज यू ब्रीथ इन. इट्स लाइक ब्लोइंग एयर इन टू अ बैलून. वैन यू ब्रीथ आउट योर लंग्स गेट स्मॉलर. जब हम सांस ले रहे होते हैं तो आपके अंदर हवा जा रही होती है, हवा जा रही होती है क्योंकि आप अंदर सारी हवा ले रहे होते हैं. तो इस वजह से योर स्पेस इनसाइड योर चेस्ट इंक्रीज जस्ट लाइक बेलून. तो आपके लंग्स में से सारी हवा निकल जाती है तो आपके जो लंग्स हैं वो स्मॉलर यानी छोटे हो जाते हैं. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़.